हम बेटा अपन नौवीं क्लास का अध्याय 13 शुरू करने जा रहे हैं। 13.1 अभ्यास के विच जा रखना है कि ये जरा चैप्टर है थोड़ा लंबा है, ये 13.8 तक अभ्यास ने घबराना नहीं है, बहुत सौखे ढंग से समझाया जाएगा तुम्हें। 13.1 अभ्यास जरा है वो लिखा गया है कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा, 65 सेंटीमीटर डूंगा प्लास्टिक एक डब्बा बनाया जाना है। इसनों ऊपर तो खुला रखते हुए अते प्लास्टिक शीट की मोटाई ना मात्र मानते हुए निर्धारित करो। बेटा पहली गल याद रखो, जिहड़ी चीज़ की लंबाई भी होंगी है, चौड़ाई भी होंगी है, तो डूंगाई भी होंगी है, उसनों असी बोलते हैं कनाव जां कन, कन कनाव होंगे ना। पर जेकर उसकी लंबाई चौड़ाई तो ऊंचाई वक्री वक्री हो उसनों असी की बोल दें, कनाव बोल दें, क्योंकि वह आयताकार टब्बियां पीसा तो बनते हैं, उन्होंने हर एक जी दीवार है वह आयताकार होंगी है। पहला तो कनाव के सारे फॉर्मले याद करने बहुत जरूरी ने, नहीं तो तुम इस अभ्यास को हल नहीं कर सकोगे। मैं सब तो पहले तुम्हें कनाव के फॉर्मले याद करा जा रहे हैं, ध्यान देखियो। हूँ देखो बेटा, एक कनाव है साढ़े को आयताकार हिस्से ने, देखो सारे हिस्से आयताकार बनाए गए हैं। इस चीज़ को कहते लंबाई एल, इस कहते चौड़ाई बी, इस कहते ऊंचाई एच। ठीक है जी, ये तो हो गया फर्श। जे तो अपने कमरे की गल करिए, जिस कमरे के पढ़ते हो, जिस कमरे में रहने हो, तो ये उस कमरे का फर्श है, तो ये उपर जी है ये उस कमरे की है छत है ना, दिख रही ना तुम सारे। तो ये पहली दीवार है, अंदर दूजी दीवार है, आ तीजी दीवार है, तो आ चौथी दीवार है। चार दीवार तो जमीन फर्श तो उपर छत बनता है एक क्यूबॉइड कनाव। हूँ देखो ये तीन फॉर्मूले ने बेटा थोड़े को, सब तो पहले तुम्हें कि याद रखना कुल सतह का खेतफल याद रखना, बहुत ही सौखा है। कि याद रखना है, देखो तुहाडे कोल एल बी ते एच तीन डायमेंशन ने ना, इतने तीन तरह दुहाडे कोल जिहड़ी लंबाइया ने, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। तुम्हें की करना है, दो लगाना है, सब तो पहले दो एल बी जमा, फिर एल नाल बी चला गया, हुण बी नाल एच, दो बी एच, फिर जमा दो एल नाल बी, बी नाल एच, एच नाल एल, दो एच एल। ये तुहाडा बेटा कुल सतह का खेत्रफल तुहानू याद हो गया, दो एल बी, दो बी एच, दो एच एल। हुण गल करते हैं वक्र सतह का खेत्रफल। कई बार इसनों चार दीवारों का खेत्रफल भी किया जाता है, तो कई बार पासविंग सतह का खेत्रफल भी किया जाता है इंग्लिश दे विच। कर्व सरफेस एरिया, एरिया फोर वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया तुहानू मिल सकता है। तिना के केस दे विच कोई फॉर्मूला लगेगा कि वक्र सतह का खेत्रफल मतलब होंदा है कि जेकर तुसी कमरे के अंदर खड़े हो जाइए तो ना उपर देखिए ना नीचे, बिल्कुल सीधा देख के पूरा घूम जाइए तो तुम्हें सिर्फ चार दीवार दिखाई ना, इस करके इसमें चार दीवार का खेत्रफल भी किया जाता है। हुण देखो ये ना तुहाडे कोल जमीन आनी, ना ही तुहाडे कोल छत आनी, तो तुसी देखो जमीन का खेत्रफल तुहाडे कोल की सीगा, जमीन जिहड़ी तुहाडे कोल आयताकार सीगी उहदी लंबाई ते चौड़ाई एल गुणा बी सी ना उहदा खेत्रफल। एल बी जे जमीन का एल बी है तो छत का भी एल बी होगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, पहले सब तो पहले जो दो एल बी लिखे से उसको हटा देना, बाकी दो इतने लिख देने, मतलब दो बी एच जमा दो एच एल, ये साडा की हो गया है वक्र सतह का खेत्रफल, है ना सुखा। दो एल बी, दो बी एच, दो एच एल कुल सतह का, दो एल बी छड़ दो तो दो दो बी एच दो एच एल तुहाडे कोल हो गया वक्र सतह का। लेकिन तुम किताबां जब देखोगे तो तुम ध्यान ना देखो की लिखा होगा, उत्थे दो लिखा होगा ब्रैकेट दे विच एल जमा बी ते फिर एच लिखा होएगा। गल इको ही है बेटा, तुहाडी मर्जी है तुसी किहड़ा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एच सांझा सीगा, दो सांझा सीगा, उह बाहर कढ़ लैणे, बच गए एल जमा बी, ये तुहाडी मर्जी है। हुण खुले बक्से की गल करते हैं बेटा, खुला बक्सा, खुला बक्सा का मतलब हुंदा छत है नहीं जां फर्श है नहीं, एक पासों खुला है। तो हुण जे खुले बक्से की गल करदे हो, खुला साइड तो नहीं होगा, जां तो उपरों खुला होगा जां थलों खुला होएगा। जिथों खुला है, जे थलों खुला है तो देखो एल बी, एल बी दो एल बी तो ही हुए बिकॉज तुहाडे कोल छत भी सी, जमीन भी सी। जे तुहाडे कोल एक चीज़ लै लीए तो एल बी दो नहीं रहनगियां, एक रह जाइए, मतलब तुसी इत्थों दो हटा देना, की आएगा एल बी जमा दो बी एच जमा दो एच एल। तो ये हो गया खुले बक्से का खेत्रफल। खुले ध्यान देखो तीन फार्मूले मैं किन्ने सौखे याद कराए तुहानू, कुल सारा याद कर लो, दो एल बी, दो बी एच, दो एच एल। वक्र दे विच एल बी हटाई देना है, तो खुले दे विच एक एल बी हटा देना, दो नहीं जिहड़ा दो लगा सी वह नहीं लगाना, एल बी जमा दो बी एच जमा दो एच एल। तो इस तरह तुसी कनाव दे जिहड़े खेत्रफल दे सारे फॉर्मूले याद कर लेने। हुण आपां इन्हां फार्मूलों की वरतों करते हुए अपने सवाल नूं शुरू करन जा रहे हैं, ध्यान देखियो। हुण पहले सवाल दे विच देखो ध्यान बेटा सारे,
कहता है कि 1.5 मीटर लंबा, मैं लंबाई लिख रही 1.5 मीटर, चौड़ाई है 1.25 मीटर, तो ऊंचाई हैगी 65 सेंटीमीटर। देखो आ मीटर दे विच, ए मीटर दे विच, ते ए सेंटीमीटर विच क्यों, तो जे सेंटीमीटर तो मीटर दे विच आना तो 100 नाल भाग करना पैंदा है, इस करके साडी तीन लंबाई चौड़ाई तो ऊंचाई जिहड़े ने वह मीटर दे विच कंप्लीट हो गई ने। अगे कहता है इस उपरों, ये उपरों तो खुला है, हुण देखो ये बक्सा उपरों खुला है, तो तुहानू मैं याद है कि तुहानू मैं फॉर्मूले याद कराए सीगे जिहदे विच तुसीं देख सकदे हो, जेकर तुहाडे कोल बक्सा उपरों खुला है तो तुहाडा फॉर्मूला है एल बी जमा दो बी एच जमा दो एच। तो असीं हुण ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, ध्यान देखो साडे कोल फॉर्मूला की लगना है, खेत्रफल का एल बी जमा दो बी एच जमा दो एच एल। हुण इहदे विच वैल्यूज भरांगे, ध्यान देखियो सारे, एल तुहाडे कोल है 1.5 जिन्हों मैं 15/10 लिखूंगा क्योंकि दशमलव तोड़ दिता गया है, बी तुहाडे कोल है 1.25 जिन्हों 125/100 लिखा जाएगा, जमा दो बी, बी तुहाडे कोल है 125/100, एच एच तुहाडे कोल है 65/100 जमा, फिर दो एच तुहाडे कोल आया है 65/100, तो एल तुहाडे कोल है 15/10। उम्मीद है तुहानू समझ आया होगा किस तरीके मैं दशमलव तोड़िया है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो बेटा, इत्थे थल्ले तुहाडे कोल किन्ने जीरो ने, उपर वाले नूं उपर वाले नाल गुणा कर देना है, थल्ले नूं थल्ले नाल, कोई भी कटिंग करन दी कोशिश मैं तो यही कहूँगा कि ना करो, गुणा कर दिओ, गुणा करनी बहुत सौखी है, असीं गुणा करदे हाँ। सब तो पहले असीं 125 नूं 15 नाल गुणा करांगे, ध्यान नाल देखियो 125 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 15 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, 5 5 25, 5 ਉੱਪਰ 2, 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 2 12, 2 ਉੱਪਰ 1, 5 ਇੱਕਮ 5 ਤੇ 1 625 ਆ ਗਿਆ, 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 125 ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆ ਗਿਆ 5 7 8 1 1875, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1875/123000 ਜਮਾ, ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਖਾ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 125 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 125 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਕੇ 250 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ 250 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 65 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ 250 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 65 ਨਾਲ, 0 5 5 25, 5 ਉੱਪਰ 2, 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 2 12, 0 6 5 30, 0 ਉੱਪਰ 3, 6 ਦੂਣੀ 12 ਤੇ 3 15, 0 5 2 6 1, 16 250 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 16 250, थले एक तो बाद आ गई बेटा 40 प्लस। अगे देखो बेटा, असं हम गुणा कर जा रहे हैं 2 नाल 65 नूं, 65 दा डबल हुंदा 130 है ना, ते उहनूं 130 नूं असीं 15 नाल, जे तुसीं 2 नाल 15 नूं गुणा करना, पहलां 15 नाल कर लो, 2 15 30, 15 9 30 हुंदा ना, 30 नूं 65 नाल गुणा कर लैणा, गल इक्को ही है बेटा। हुण 65 नूं असीं 30 नाल गुणा करांगे, 0 0, 5 5 15, 5 1 6, 18 1 19, 1950 आया है ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1950/30। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ 3 ਜੀਰੋਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਜੀਰੋਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ 4 ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ 3 3 3 ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਸੇ 3 3 ਜੀਰੋ, ਬੇਟਾ ਕਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੱਲੇ 3 3 ਜੀਰੋ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 3 ਜੀਰੋਆਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ, 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, 1625 ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, 1950 ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਅਸੀਂ 1875, 1625 ਅਤੇ 1950 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, 10 0 ਉੱਪਰ 1, 7 8 9 10, 5 5 15, 5 ਉੱਪਰ 1, 24 4 ਉੱਪਰ 2 3 4 5, 5450 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ 5450 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 1000, 0 0 ਕੱਟੇ ਗਏ, ਅਤੇ 2 0 ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ 5.45 ਮੀਟਰ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਮੀਟਰ ਦੀ ਘਾਤ 2 ਨੂੰ ਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 2 ਪਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਮੁੱਲ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ,
ध्यान रखो सारे, जो भी तुसी खर्चा पता करना है तुसी जेड़ा भी तुहाडा आंसर आया है खेत्रफल का उसनू पर मीटर के खर्चे नाल गुणा करना होता है, वो साढ़े कोल है 20 रुपये। हुण गुणा करना है, गुणा करनी भी बड़ी औखी लगती है तुहानू, दशमलव वाली कोई टेंशन नहीं लैनी। 545 दशमलव नू तोड़ांगे थले 100 आ गए क्योंकि दशमलव तो बाद दो अखर ने, गुणा 20। 0 नाल 0 कटी गई, ठीक है ना बेटा। हूँ आप उपर वाले उपर वाले गुणा करनी है, मतलब 545 नू 2 नाल गुणा करांगे। देखो हूँ सारे 545 नू असीं 2 नाल गुणा करन जा रहे हैं। 5 दूनी 10 उपर 1, 4 दूनी 8 ते 1 9, 5 दूनी 10 किन्ना आ गया 1090। असीं इत्थे लिखांगे 1090 रुपये, 1090 बटा 10 0 0 कट्टे गए तो आंसर कितना आ गया है रुपये 109। इस सवाल का बेटा तुहाडा आंसर होगा। बस इस गल का ध्यान रखना है कि तुसी जिथे खर्चा लिखा है उत्ते तुसी लिखोगे कोस्ट। इंग्लिश वाले बच्चे खेत्रफल की थां एरिया, एरिया बस, बाकी सारा बेटा बिल्कुल सेम है। चाहे वो मीडियम इंग्लिश वाला बच्चा है चाहे पंजाबी वाला, बहुत ही सौखे ढंग नाल कराया गया है। उम्मीद कर रहा है कि तुहानू समझ आई होगी। एक सवाल होर दिखांगे बिल्कुल सेम इसे तरीके का। दूजा सवाल देखो बेटा, कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है, वही 5 मीटर 3 मीटर 3 मीटर बिल्कुल सही। 7 रुपये 50 प्रति मीटर की घात 2 की दर नाल किस कमरे दीवारां अते छत। हुण देखो सिर्फ दीवारां नूं रंग करना है तो छत नूं करना है, फर्श नूं तां रंग नहीं करते ना, पर सफेदी नहीं कराते। इहदा मतलब इहदे उत्ते भी फार्मूला कड़ा लगेगा खुले बक्से का, है ना। तो तुहानू मैं देखो याद कराया सीगा कि जदों खुले बक्से का खेत्रफल पता करना होवे, चाहे छत ना करनी होवे रंग, चाहे फर्श ना करना होवे, करनी तो एक चीज़ ना है ना, तो फिर असी एल बी दे नाल 2 नहीं लगाना, एल बी जमा 2 BH जमा 2 H। तो हुण आपां फार्मूला लगा रहे हैं, ध्यान नाल देखियो। तो हुण साडा खेत्रफल का फार्मूला की आएगा, एल बी जमा 2 BH जमा 2 HL। हुण असी इहदे विच वैल्यूज़ भरांगे बेटा। एल तुहाडे सामने है बेटा 5, बी है 4, बहुत ही सौखा सवाल है। 2 B 4 है तो एच तुहाडे कोल 3 है, देख सकते हो, जमा 2 H 3 है तो एल तुहाडे कोल 5 है। हुण असी वैल्यूज़ नूं मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20 जमा 4 2 8 24 जमा 3 2 6 5 30। ये तो बहुत ही सिंपल जोड़ हो गई, 30 40 50 60 70 74 मीटर की घात 2 तुहाडा की आ गया है खेत्रफल। हुण तुसी करनी है कोस्ट, है ना। तुहानू मैं दस्या खर्चा, जे हुण तुसी खर्चा पता करना है तो तुहानू मैं दस्या जिहड़ा तुहाडा आंसर आया हुंदा है 74, उहनू असी प्रति वर्ग मीटर वाले मतलब 7 रुपये 50 पैसे नाल गुणा करनी हुंदी है। तो तरीका फिर उही 74 × 750 बटा की आ जाएगा 100, बिल्कुल सही। 0 नाल 0 कट्टी गई। हुण तुसी 74 ते 75 नूं गुणा करोगे। हुण असी 74 नूं 75 नाल गुणा करांगे, ध्यान देखो 74 नूं 75 नाल गुणा कीती, 5 4 20 0 उपर 2 7 5 35 36 37 7 4 28 8 उपर 2 7 7 49 ते 2 51 0 15 5 उपर 1 3 4 5 5 55 150। साडा आंसर आ गया है 5550 बटा 10 कटे गए। तो तुहाडा की आंसर आया बेटा रुपये 5555। इस सवाल का आंसर होगा। इंग्लिश वाले बच्चे ने बस याद रखना है खर्चे नूं कोस्ट कहिंदे ने, खेत्रफल नूं एरिया, एरिया मीटर की घात 2 तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि एम दे उपर घात 2 पानी हुंदी है, एम एम मीटर पाना, बाकी तो कोई चेंज हुंदा ही नहीं बेटा, कैलकुलेशन्स तो उही रहनियां ने। इस तरह साडा दूजा सवाल भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करदा हां कि तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आए होणगे। फॉर्मूले चंगी तरह आंदे होणगे तां क्वेश्चन निकल सकदे है, जे फॉर्मूले ही नहीं तुहानूं याद फिर बेटा क्वेश्चन नहीं कर सकते। इस करके सारा जोर पहला फॉर्मूले ते लगाओ। मैं तुम्हें स्टार्टिंग दे विच फॉर्मूले याद कराए ने, बार बार कॉपी ते लिखो, डायग्राम बना के समझो। जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी हो, वालों पढ़ाए गए क्वेश्चन तुम्हें वधिया तरीके नाल समझ आए हो, तो जरूर उसनों लाइक करो, वीडियो नूं जरूर कमेंट करया करो, तो मेरे चैनल नूं बेटा सबसक्राइब करना ना भुल्यो, ता जो मेरे वालों आने वाली वीडियो जां मेरे वालों अपलोड कर चुकी हुई वीडियो साडे फोन ते शो हो सकन।